तो फ्रेंड, जब आप सेकेंड हैंड कार ख़रीदते हैं और आपको आपको ये चेक करना है कि कार एक्सीडेंटल है या नहीं है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि अगर आपको विंड स्क्रीन चेक करनी है कि चेंज हुआ है, साइड डोर चेंज हुआ है कि नहीं, तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जो विंड स्क्रीन होती है, तो जब गाड़ी मैन्युफैक्चर होकर आती है तो यहाँ पर कोडिंग लिखी होती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 43R001264, और यही जो है ये सब में सेम होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं 43R001264 इसमें भी है, 43R001264 इसमें भी है, और इसी तरीके से सारी विंड स्क्रीन्स में सेम होगा। तो जैसे कि आपने देखा, तो ये होता है सबसे अच्छा तरीका इसको चेक करने का। और एक चीज़ और होती है कि जैसे कि जो ये साइड डोर होता है, तो जो इसकी रबड़ होती है, इसको आप निकाल के चेक कर सकते हैं, यहाँ की इससे आप चेक कर सकते हैं या इससे चेक कर सकते हैं कि जो गाड़ी है वो यहाँ से, अगर इसका ये डोर वगैरह चेंज हुआ होगा तो आपको पता चल जाएगा। इस तरह फ्रेंड बूट में भी चेक कर सकते हैं और आगे भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे ये गाड़ी का यहाँ पे पूरा बम्पर ऐसा टूटा हुआ है, ये कहीं एक्सीडेंट में ही टूटा है। तो और जैसे अगर साइड में इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे कि आप ये सब डेंट देख रहे हैं, और साइड का डोर चेंज होता है, तो अगर विंड स्क्रीन तक इम्पैक्ट आया तो विंड स्क्रीन भी चेंज होती है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है इस तरीके की, जो विंड स्क्रीन पे कोडिंग्स होती हैं उसको आप चारों से मैच कर लीजिए। अगर वो सेम है तो इसका मतलब कि इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं आया है, और अगर ये चेंज है तो इसका मतलब विंड स्क्रीन चेंज हुई है। तो फ्रेंड्स, होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।